हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से लाइफ में कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। रीडिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी किस बारे में ये रीडिंग है। ये रीडिंग रहने वाली है आपके ना जो पास्ट लाइफ के लेसन्स थे जो आपने वहाँ पे सीखे नहीं हैं और जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम भागते हैं, सीखते नहीं हैं, डरते हैं, अपना लेसन नहीं लेते हैं, वही चीज़ दोबारा किसी और इंसान के थ्रू, किसी और सिचुएशन के थ्रू हमें लाइफ में सिखाई जाती है। एक लाइफ टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता होगा। जैसे कि आपने ना फील किया होगा कि आपकी कोई पर्टिकुलर फ्रेंडशिप थी और वहाँ पे एक पैटर्न था फ्रेंडशिप में, आपने वो छोड़ दी फ्रेंडशिप क्योंकि वहाँ पे बात बनी नहीं, लेकिन आपने कुछ टाइम बाद कुछ नई फ्रेंडशिप शुरू की किसी के साथ, 2 4 6 महीने के बाद फिर से सेम पैटर्न रिपीट हुए। और बहुत सारा सोल ट्राइब है जो इन पैटर्न्स को ना पकड़ता है। सोल ट्राइब ना इस जगह पे पहुंच गया है कि वो समझता है कि मेरे साथ ना बार 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 एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, जगह बदल जाती है, हाँ लोग बदल जाते हैं, बट मुझे एक सेम ही चीज़ फील कराई जा रही है। सो इसी बारे में ये रीडिंग रहने वाली है कि वो कौन से पैटर्न हैं जो आप फॉलो करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप सीख नहीं रहे हैं, और पास्ट से भी क्या कैरी फॉरवर्ड करके आप लाए हैं, वहाँ पे भी क्या लेसन थे आपके लिए जो आपने छोड़ दिए थे अधूरे, या आपको समझ में नहीं आया था उनसे टैकल कैसा किया जाए। तो डिवाइन आपको क्या लेसन देना चाहते हैं, आपको जो ये लाइफ दी है, आपको एक नाम दिया है, आपको एक पेरेंट्स दिए हैं, आपको एक पर्टिकुलर घर में पैदा किया है, सो डिवाइन का यहाँ पे आपके लिए क्या प्लान है, ठीक है? और उसके प्लान को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं और कैसे अकॉर्डिंगली चल सकते हैं और अपने लाइफ के उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं जिनको आप तोड़ने के लिए इस लाइफ में डिस्टाइंड हैं, ठीक है? सो गाइस, मैं जब तक कार्ड शफल करती हूँ और ले डाउन करती हूँ कार्ड्स को, तब तक आप अपने लिए अच्छी सी प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से, डिवाइन से मांग सकते हैं जो मांगना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा सोल पाथ के लिए, इस पर्टिकुलर लाइफ में क्या लेसन्स हैं जिनको उनको सीखना है, जिनको वो सीख नहीं पा रहे हैं, और कैसे वो उन लेसन्स को सीखें, इस रिगार्डिंग भी प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके गाइस, सो ये आपके कार्ड्स हैं, इनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? और ये कार्ड तो ना जैसे लाइक ना थोक में ही आ रहा है। जोडियक्स की मैंने इतनी रीडिंग्स की हैं, आप पीछे जाके ना मेरे चैनल में मेरे जोडियक्स की रीडिंग देख सकते हैं, मतलब थोक में ही आया है ये कार्ड तो ना। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड, यानी कि यहाँ पे दोनों ही सोल ट्राइब, जो मैस्कुलिन मेरा सोल ट्राइब है और जो फेमिनिन सोल ट्राइब है, दोनों की एनर्जी को कार्ड्स ने पिक किया है एकदम से। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड। आपने देखा वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी आई है आपकी रीडिंग में, लाइक 1 2 3 और फोर, फोर कार्ड्स आ गए हैं इट में से, अभी तो खोले भी नहीं है। बाकी एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स भी है और एस ऑफ कप्स भी है, टू ऑफ कप्स। अब आप देख रहे हैं, अगर आप कोई है जो टैरो की रीडिंग देखते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है। वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कोई ना एक्शन लेने वाला, कुछ एक्शन मिसिंग है आपकी लाइफ में ना कहीं कोई एक्शन मिसिंग था। पास्ट लाइफ में भी ना कुछ एक्शन लेने थे, वो मिसिंग थे कहीं ना कहीं, इसलिए भगवान ने आपको ना एक ऐसी लाइफ बना के भेजी है कि रीडिंग के थ्रू भी वहां पे ना वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है कि हाँ हमें कुछ सर्टन एक्शंस लेने हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं गाइस जो अपने इमोशंस से चलते हैं, ये चीज भी यहाँ पे निकल के आई है। दो ही एनर्जीज यहाँ पे आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक इमोशनल इंसान है कहीं ना कहीं, और हो सकता है आप इस इमोशनल चीजों में ही कहीं ना कहीं मार खाते हो। ये चीज भी है कि ये चीज ना आपको ठग लेती हो कहीं ना कहीं, क्योंकि पेंटेकल का एक कार्ड आया है और वो भी नेगेटिव है, इसमें पेंटेकल जैसा कुछ नहीं होता है। सो फाइव ऑफ पेंटेकल्स का तो मतलब ही है कि एक ट्रिकी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन, इसको मैं पास्ट लाइफ की एनर्जी कहीं ना कहीं पिक कर पा रही हूँ। आप पास्ट में भी, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ के पास्ट में भी, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो नहीं मानते हैं पास्ट लाइफ्स को, तो उनको छोड़ दीजिए।
इस लाइफ के पास्ट में भी, और जो लोग मानते हैं उनके लिए भी कोरा है कि पास्ट लाइफ्स में भी, और हमारे मानने ना मानने से ना चीजें बदलती नहीं है, चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। अगर आपकी कहानी इस लाइफ में ऐसी है तो पहली लाइफ्स में भी आपकी कहानी ऐसी ही रही होगी। वो जो इंसान पास्ट लाइफ में था वो ही अपने, जिसे कहते हैं ना, नया शरीर बदल के, नए कपड़े बदल के, नया नाम लेके, नए घर में पैदा हो गया है, कहानी नहीं बदली है। सो कहानी गाइज यही थी आपकी पास्ट लाइफ्स में भी और इस लाइफ के पास्ट में भी। अब तक जितना पास्ट आपने जिया है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, यही कहानी थी कि आप ना एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान के साथ, बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में, जो जिसने आपको इमोशनली बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया, जिसे कहते हैं ना एक इंसान को ना अच्छे से, जिसे कहते हैं उसका सारा कुछ निचोड़ लेना, हाँ, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी सच्चाइयाँ, उसका उसका एंथुजियाज्म, उसके जीने की तमन्ना, वो सारा कुछ उसको बिल्कुल नेगेटिव बना दिया। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, हो सकता है आप लोगों ने ये टर्म सुनी हो। एनर्जी वैम्पायर क्या होता है? इंसान ही होते हैं लेकिन ये क्या है कि इनमें अपनी एनर्जी नहीं होती है, इनमें अपनी लाइफ भी नहीं होती है, इनमें अपनी लाइट भी नहीं होती है, तो ये दूसरों की लाइफ लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। सो आप बहुत सारे ऐसे इंसानों के बीच में हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइट को चुरा रहे हैं, आपकी लाइम लाइट को भी चुरा रहे हैं। आपको उन्होंने ऐसा कर दिया है और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं, लाइफ एनर्जी, आप लाइफ को लाइफ नहीं समझेंगे यहाँ पे, आपकी लाइफ की एनर्जी को कहीं ना कहीं वो सक कर रहे हैं। आप में से ही एनर्जी को खींच खींच के वो कहीं जिंदा हैं और आपको उन्होंने ऐसी हालत में ला दिया है कि आपके पास ना ये अब एक ताला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ताला है और यहाँ पे एक चाबी है और आपकी हालत ऐसी है कि आप ना इस ताले को देख पा रहे हैं ना इस चाबी को, क्योंकि आपके अंदर ना एनर्जी ही नहीं बची है। इस सिचुएशन ने आपको इतना ड्रेन आउट करके रखा हुआ है, पास्ट लाइफ्स में भी करके रखा हुआ था और अभी भी करके रखा हुआ है कि आपकी हालत बिल्कुल डिप्रेशन, बिल्कुल एंग्जाइटी वाली, पैनिक अटैक्स, नाइटमेयर्स जिन लोगों को आते हैं, जो बिल्कुल ही धरातल पे लग गए हैं डिप्रेशन में, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में, सिवाय अंधेरे के कुछ दिख नहीं रहा है। सो आपके लिए यहाँ पे साथ साथ में दिखाया है भाई, एक ताला है और एक चाबी है, चाबी भी अवेलेबल है आपको। उठो, इस सिर को उठाओ, थोड़ा सा खड़े हो, देखो इस चाबी से इस ताले को खोलो और निकल जाओ। इस सिचुएशन में ना बाहर निकलने से बेहतर कुछ भी नहीं है। सो ये यहाँ पे आपकी एनर्जी पकड़ी गई है, पास्ट लाइफ्स की भी और इस लाइफ के पास्ट की भी, कि कहीं ना आप इस तरह से रहे थे, आपने लेसन वहां भी नहीं सीखा था और अब इस लाइफ में थोड़े से लेसन आप मुझे सीखते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार ना इस लाइफ में ना आपकी कहानी बदलेगी, वो जो चीज आप पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए थे, उस नेगेटिव सिचुएशन से, उस टॉक्सिक इंसान के चंगुल से, उस टॉक्सिसिटी से, हो सकता है ढेर सारे लोग हों आपके पास, ठीक है, जो इस तरह के हों, जो आपको नीचा दिखाते हों, क्योंकि आपको नीचा दिखाएंगे तो ही तो उनको अच्छा लगेगा ना, उनको अपने आप से तो पता है कि दे आर नथिंग, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है, उनकी अपनी लकीर तो है ही नहीं। एक होती है ना कि एक मेरी छोटी लकीर थी, उसके साथ में किसी ने बड़ी लकीर खींच दी, नहीं, उतना तो उनका कैलिबर नहीं है, लकीर जैसी कोई चीज़ तो वो खींच ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी लकीर को मिटाते रहते हैं, यही उनका काम है। टॉक्सिक लोगों का यही काम होता है कि वो दूसरे की लकीर को ना मिटाते रहते हैं, बजाय इसके कि अपनी एक बड़ी लकीर खींचे। लेकिन इस लाइफ में ना मुझे आप बहुत कुछ समझते हुए और इस लाइफ के पास से आपने कहीं ना ये लिया है कि हाँ मैं निकलूंगा इस चीज में से, और बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे शिफ्टिंग का है कि बहुत सारे लोग इस चीज में से निकल के ना कहीं और शिफ्ट होंगे, कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, जब उनको समझ में आएगा हो सकता है वो देश भी छोड़ दें, कुछ इस तरह की सिचुएशन बने कि यहाँ से निकलने के लिए ना आपको बाहर का वीजा वगैरह भी लगेगा, क्योंकि डिवाइन भी यहाँ पे हेल्प करते हैं आपकी ना, इस कार्ड के थ्रू डिवाइन हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है बहुत हो गया, अगर ये बच्चा अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। सो किसी की हेल्प के थ्रू डिवाइन किसी को भेजेंगे जिसकी हेल्प के थ्रू आप इसमें से निकलेंगे, क्योंकि डिवाइन ने देख लिया है कि भाई इसको ना तो चाबी दिख रही है ना ताला दिख रहा है। सो किसी को भेजेंगे जो आपके लिए इस ताले को खोलेगा और आपको यहाँ से रेस्क्यू करेगा, ठीक है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं वो एक इंसान ही हो सकता है वो एक यूट्यूब की वीडियो हो। सो इस तरह से अपने आप को ना बिल्कुल ओपन अप करके रखना है कि रास्ता मुझे कहीं से भी दिख सकता है। इसके बाद यहाँ पे ना मुझे आप कहीं ना कहीं आपकी ये सिचुएशन लाइफ में रही है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स में ना ऐसा सिचुएशन इंसान का बन जाता है कि उसे इतना अटर लेवल का कंफ्यूजन हो जाता है कि उसे ये समझ नहीं आता है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है,
कौन दोस्त है कोई दुश्मन है, क्योंकि ना इतने साल इस सिचुएशन में रहने के बाद ना आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं आप इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं कि क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या आपके फेवर में है, क्या फेवर में नहीं है, उतना ना आपका आपका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग ना, कि इतना सेल्फ डाउट आपके अंदर कर देते हैं, इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपको सेल्फ डाउट रहता है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा पहली बार तो मैं डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, और अगर लूंगा तो गलत लूंगा, कहीं ना कहीं इतना इस लेवल पे आपको ये ले आते हैं बिल्कुल। सो यहाँ पे सिचुएशन आपकी ऐसी है, हो सकता है फिलहाल ऐसी हो सकता है 2-4-6 महीने का ये एनर्जी इसने पिक किया हो कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गार्डेड अप, कहीं ना कहीं ऐसे कि मेरा कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले कहीं ना कहीं सबसे लड़ते हुए, अपनों से लड़ते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, कहीं ना कहीं उस तरह का एनर्जी है। हाँ तो इस तरह का गाइस आपका रहा है क्या, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि 4-6 महीने आपके कुछ इस तरह के निकले हैं क्या 2023 के, कि आप इस सिचुएशन में रहे हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है लाइफ में पहली बार कि मैं किससे बात करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं क्या कहूं, इवन कि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आप रहे हैं बहुत ज्यादा, आपको समझ ही नहीं आया है कि आप कौन हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप गलत हैं कि सही है, उस लेवल का कहीं ना कहीं किसी इंसान ने या कुछ लोगों ने आपको सेल्फ डाउट आपके मन में फील कराया है, ये मैं पिक कर पा रही हूं। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, एनर्जी आपकी बिल्कुल ठीक होएगी बाद में ना, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं एक चीज तो हमें सिखाता ही है कि कोई चीज जब हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा हो जाती है ना, इतनी ज्यादा मतलब एक्सेस भी एक चीज की हो जाती है, तो वो भी इंसान उससे तोबा करता है कि ठीक है अब बहुत हो गया है। सो कहीं ना कहीं ये तोबा आपने की है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है कि ठीक है कोई बात नहीं है, देखा जाएगा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने चीजों की शुरुआत करनी है, बदलनी है, वो जो लेसन आप नहीं ले पाए थे ना कहीं ना कहीं पहले पास्ट में नहीं ले पाए थे या पास्ट लाइफ्स में नहीं ले पाए थे, जिसको जैसे देखना है इस रीडिंग को वैसे देखे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना विश्वास है। सो कहीं ना कहीं यहीं पे वो इंसान ना, ये इंसान इस तरह का होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो अपने लिए सोचेगा भी, वो अपने ऊपर विश्वास भी करेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ने उसका हैंड यहाँ पे कहीं ना कहीं थामा था और उसे क्लैरिटी दी थी, उसे क्लैरिटी भी होगी, उसको कॉन्फिडेंस भी होगा, और वो अपनी लाइफ में ना एक नया चांस लेने के लिए थ्रू एक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे इमोशंस के थ्रू नहीं है, थ्रू एक्शन कुछ ना कुछ एक्शन आप लेंगे, हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड लें, हो सकता है आप अपनी बात, अपने मन की बात जो आप कहने से डरते हैं वो कहें, ठीक है, हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइन हमारा हाथ थामते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले जो चीज जाती है वो होता है डर, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है और हमारे अंदर एक हेल्दी कॉन्फिडेंस आता है उस दिन। सो ढेर सारे अच्छे से एंथुजियाज्म में और हेल्दी कॉन्फिडेंस में यहाँ आप मुझे दिख रहे हैं। सो ये आपकी एनर्जी में पहली बार हुआ है शिफ्ट। और यहाँ पे दो कार्ड आए हैं, अब क्योंकि मेरी रीडिंग दोनों ही देखते हैं, जेंट्स भी देखते हैं लेडीज भी देखती हैं, ठीक है, सो दोनों की ही एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी पिक हुई है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी पिक हुई है। ये देखिए शेर, कहीं ना कहीं आप ये शेर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी होती है जो एक्शन लेती है। अब वॉन्ड्स की एनर्जी आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक्शन के कार्ड्स हैं आपके सारे के सारे, आप अपनी लव लाइफ में भी एक्शन लेंगे, आप अपनी फैमिली लाइफ में भी एक्शंस लेंगे और गुड वाले अच्छे वाले एक्शंस लेंगे, किसी से बदला बदला लेने वाले एक्शंस नहीं है ये, ठीक है, और अपने करियर में ढेर सारे एस्पेक्ट्स में मुझे चेंज लाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और काम करने के लिए, और आपको जिसे कहते हैं सटीक सटीक निर्णय है इसके बाद ना, क्योंकि आप पहले इसमें से गुजर चुके हैं, ये शुरू किया था ना आपने, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनने वाले, किसी की नहीं कहने से रुकने वाले, और लोग ना ये सोचेंगे कि ये हो क्या गया। एक इंसान जिसकी एनर्जी पिछले साल ऐसी थी कहीं ना कहीं, बल्कि हम कहें 2-3 महीने पहले ऐसी थी, तो लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि यार इसको हो क्या गया। हाँ क्यों, क्योंकि भाई आपको ना कहीं डिवाइन ने आपका हाथ थामा है, और जब डिवाइन हाथ थामते हैं ना तो इस इंसान की ही काया पलट होके बन जाता है ये इंसान या ये इंसान। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड आने का मतलब ये भी है कि अगर आप एक लेडी हैं सो आपके अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी होगी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी होगी, यानी कि एक लेडी में कुछ इस तरह का एस्पेक्ट होगा जो एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना कहीं उसका इमर्जन भी होगा, और अगर आप जेंट्स हैं सो कहीं ना कहीं एक फेमिनिन एस्पेक्ट को भी अपने अंदर इन्वोक करेंगे, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की फीलिंग भी आप फील करेंगे, सोल ट्राइब जो है ना इंटीग्रेटेड फील करेगा लाइफ में पहली बार। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऐसी चीज होती है कि
अगर आप एक जेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है एक चीज रहती है कि मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हूं, और कहीं ना कहीं आप एक फीमेल का साथ चाहते हैं। अगर आप एक लेडी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसा रहता है, ये दुनिया का दस्तूर है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं इनकम्प्लीट हूं और मुझे कहीं ना कहीं एक मेल का साथ चाहिए है, ठीक है। तो इस तरह का अंदर से एस्पेक्ट चलता है एनर्जीज का, लेकिन यहाँ पे पहली बार ना इंटीग्रेशन की एनर्जी है कि ठीक है बाहर कोई है तो ठीक और बाहर कोई नहीं है तो ठीक। सो कहीं ना कहीं आपकी ही फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का यहाँ पे जो है मिलन होगा कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन के भी कार्ड्स होते हैं। हो सकता है कुछ बहुत थोड़े से सोल ट्राइब को, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो चीज है ना वो ऐसे नहीं है जैसे आप लोगों को लगता है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और हर किसी का ट्विन फ्लेम है। नहीं, हर किसी का ट्विन फ्लेम नहीं है, या हम कहें कि हर किसी का ट्विन फ्लेम अगर है तो वो उसके ही अंदर है। अगर कोई लड़का है तो उसका ट्विन फ्लेम जो है उसके ही अंदर है, कोई लड़की है तो उसका ट्विन फ्लेम उसी के अंदर है। सो कहीं ना कहीं अगर ट्विन फ्लेम का यहाँ पे एस्पेक्ट आया है तो वो इसी रिगार्डिंग है कि आपके अंदर ही जो दोनों एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का रीयूनियन होगा और आप बिल्कुल कंप्लीट फील करेंगे अपने आप में। उसके बाद कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो अच्छा, और फॉर टाइम बीइंग नहीं आता है तो अच्छा। ये वो वाली एनर्जी होती है कि हम डेस्परेट नहीं होते हैं। और हम गलत पार्टनर कब चूज करते हैं, आपने कभी सोचा कि गलत पार्टनर आप कैसे चूज कर लेते हैं और बार बार आप गलत पार्टनर ही चूज क्यों कर लेते हैं? वो इसलिए कि हम होते हैं डेस्पेरेट, हम वेट करना नहीं जानते हैं। एक रिलेशनशिप खत्म हुई तो हमें लगता है कि यार बड़ा अकेलापन लग रहा है, बड़ा खाली खालीपन लग रहा है। सो जो भी नया बंदा सामने दिखा, जो भी नया इंसान सामने दिखा, ठीक है, और उसने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, सो हम उस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, लेकिन वहां पे फिर सेम पैटर्न रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने उन चीजों पे, उन एस्पेक्ट पे गौर किया कि रिलेशनशिप पिछली टूटी क्यों थी, ठीक है, ना हमने इन चीजों पे गौर किया कि रिलेशनशिप से मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, और रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान को आप कैसे देखते हैं, ठीक है, सामने वाले इंसान से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता भी है कि नहीं। और जब ये रिलेशनशिप शुरू हो रही है सो आउट ऑफ डेस्पिरेशन आप फटाफट जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, आप देखते नहीं है कि सामने वाले इंसान की कैपेबिलिटीज क्या है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस रिलेशनशिप से, भाई वो इंसान उस चीज को फुलफिल भी कर पाएगा कि नहीं। और 4-6 महीने के बाद चीजें आपको दिखने लगती हैं, उस टाइम पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर से होगा हार्ट ब्रेक, फिर से बुरा लगेगा, फिर से चीजों का वही सेम पैटर्न रिपीट होगा। सो यहाँ पे गाइज है कि लाइफ में पहली बार आप उस स्टेज पे जाएंगे कि ठीक है कोई है तो ठीक है और कोई नहीं है तो मैं अकेला काफी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर टाइम बीइंग मैं खुद पे काम करूंगा, अपने करियर पे काम करूंगा। करियर का एनर्जी यहाँ पे बहुत है, जो लोग करियर में हैं वो भी आगे बूम करेगा करियर उनका, जो लोग करियर में नहीं है कहीं और ही हैं वो भी लाइफ में पहली बार सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है। और जब ये एनर्जीज का इस तरह से होता है ना कि आप बाहर भटकते नहीं है, कहीं ना कहीं अपने अंदर इंटीग्रेटेड फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं, तो उस टाइम पे ही आप एक्शन ले पाते हैं। सो इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे। और जब एक सोल ट्राइब मजबूत बनता है ना, एक सोल ट्राइब सोचता है कि ठीक है पास्ट को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है फॉर टाइम बीइंग किसी पे डिपेंड भी नहीं करता हूँ, ठीक है फॉर टाइम बीइंग जो है अपने काम को ही, अपने काम से ही काम रखता हूँ, काम ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद जो आप मांग रहे थे ना लाइफ में हमेशा से, आप लाइफ में क्या मांग रहे थे भाई, आप लाइफ में हमेशा क्या मांगते हैं? प्यार ही तो मांगते हैं ना, वैलिडेशन ही तो मांगते हैं ना, यही तो मांगते हैं ना कि सामने वाला मुझे समझे, मुझे प्यार करे। सो देखिए डिवाइन ने आपको ग्रांट किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के थ्रू, अब ये एनर्जी आपकी ही है, आप ही इस एनर्जी में आ जाएंगे। मेल और फीमेल का कार्ड पे जो ये होता है जेंडर, उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके ही अंदर की फेमिनिन एनर्जी है, मेल है तो भी फीमेल है तो भी। सो कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपको इस टाइम पे मिलेगी, ठीक है। 2024 में कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट भी ये ईयर आपके लिए लेके आया है, इसके बाद जो है कहानी आपकी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 की ही ये कहानी है, आप इसे जब भी देखेंगे आप इससे रिलेट करेंगे कि इस तरह से मेरी कहानी चेंज हुई थी, कुछ लेसन मेरे अधूरे थे पास्ट लाइफ के, या इसी लाइफ के पास्ट के कुछ लेसन थे जो मैं सीख नहीं रहा था वो मैंने सीखे थे, और मैंने कहीं ना कहीं इतना अच्छा फील किया था कि ठीक है मेरे पास प्यार प्यार है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं क्वीन जैसा फील करेंगे,
एक क्वीन कैसा फील करती है? सेफ फील करती है कि इनसिक्योर फील करती है? सिक्योर फील करती है, इसीलिए तो उसको क्वीन बोलते हैं ना, कि उसके पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ये लव की एनर्जी है कि इसमें आपको फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाँ सब मिल गया, सब कुछ है मेरे पास, उस तरह का मुझे दिख रहा है। और वॉन्ट्स की एनर्जी खत्म हुई है ना, सो अपने आप ही कप की एनर्जी आई है, ये देखा है आपने। हाँ, जब तक आप लोगों से कहीं ना कहीं प्यार मांगते रहे, ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, ना दौलत मिली, ना शोहरत मिली, कहीं ना कहीं जब आपने वो मांग को छोड़ दिया कि ठीक है इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है, मैं अपने आप में ठीक हूँ, मैं अपने आप में ओके हूँ, मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे एक बेटर इंसान बनना है, यही तो आपका लेसन था। आप क्या कर रहे थे? एक कटोरा लेके सबके सामने कहीं ना कहीं घूम रहे थे कि मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, किसी ने आपको नहीं दिया, बल्कि आपके पास जो था ना उसको भी कहीं ना कहीं छीन लिया। सो जिस दिन आपने ये चीज सीख ली ना कि ठीक है इट्स ओके, इट्स ओके, मैं अकेला भी काफी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फोर टाइम भी अकेला रह लूंगा, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अब मैं समझौता नहीं करूंगा, जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया ना लाइफ में, उसी दिन आपकी लाइफ हो गई चेंज। और कप्स ना खुद आए आपकी लाइफ में फिर। ये कप्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे इमोशन, ये होते हैं हमारे इमोशनल सेटिस्फेक्शन। लाइफ में हम पैसा भी चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं, घर भी चाहते हैं, गाड़ी भी चाहते हैं, अगर हम लाइफ में हैं तो हम सब कुछ ही चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये मैंने आपको बोला था कि जो लाइफ में आपके चेंजेस आए हैं ना, जो परिवर्तन आए हैं, ये भगवान लेके आए हैं। सो ये भगवान का हाथ है कहीं ना कहीं, उन्होंने आपको दिया है कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ ये सबसे बड़े वाला जो कप होता है ना टैरो का, मैं सबसे बड़े वाला कप ही तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। सो आपकी लाइफ में यहां से एक न्यू बिगनिंग होगी, इसको मैं समझाऊंगी थोड़ा सा, यहां से एक न्यू बिगनिंग होगी इमोशनल एस्पेक्ट में। हो सकता है किसी एक ऐसे इंसान के साथ आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो गया हो 2023 में ही, या हो सकता है 2024 के शुरू में हो जाए, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग आप अकेले भी रहेंगे और आप चीजों को समझेंगे, और लाइफ में आप पहली बार चीजों के पैटर्न को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं कि हाँ आप इन्हें डिकोड करेंगे। पैटर्न्स कहीं ना कहीं डिकोड होते हैं, और उनको डिकोड करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो हमें एक्चुअल में क्या सिखाना चाह रहे थे। सो यहाँ पे डिवाइन ही आपको दे रहे हैं, पहले डिवाइन ने आपकी एनर्जी को सही किया, ठीक है। किसी चीज को रिसीव करने के लिए उसके रिसीविंग मोड में आना बहुत जरूरी है। सो आपके अंदर की ही जो फेमिनिन एनर्जी है, जो केयर करती है, जो नर्चर करती है, जो अच्छी सी एनर्जी होती है, जो प्यार करती है, जो अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी होती है, पहले तो उसको इन्वोक किया डिवाइन ने, उसके बाद आपको दिया है ये एस ऑफ कप्स दिया है कि ठीक है लाइफ में जितना भी प्यार, सुकून, प्यार से भी बड़ी चीज होती है ना दो लोगों के बीच में सुकून, और कहीं ना कहीं हम प्यार ढूंढने में इतने मशरूफ होते हैं कि सुकून तो हम भूल ही जाते हैं, और बाद में वो जब सुकून हमारी लाइफ में नदारद होता है तो हम कहते हैं कि हमें सुकून चाहिए। सो एक ऐसा रिलेशन होगा गाइस जो सुकून से शुरू होगा, कहीं ना कहीं एक रिलेशन दस्तक दे रहा है आपकी लाइफ में, डिवाइन ही आपकी लाइफ में उस इंसान को भेज रहे हैं जो मतलब जिसका ओरा ऐसा होगा कि आप उसे ना उसके ओरा से पहचान जाएंगे कि हाँ दिस इज द वन, यहाँ पे आके चैन मिलेगा, यहाँ पे आके सुकून मिलेगा। और डिवाइन आपको दे रहे हैं टू ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड होता है ये, एक ऐसे ये कार्ड मुझे लवर के कार्ड से भी ऊपर लगता है, क्योंकि लवर तो फिर भी लवर है, और टू ऑफ कप्स ना एक ऐसी अच्छी सी, और हो सकता है सबके लिए ये लव रिलेशनशिप ना भी हो सबके लिए, क्योंकि सोल ट्राइब बड़ा है, सो सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक बहुत अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप, एक बहुत ही अच्छा सा, क्योंकि देखिए सुकून आपको कहीं भी मिल सकता है, हाँ सुकून आपको किसी भी रिलेशन में मिल सकता है, एक अजनबी आपको बहुत सुकून फील कराता है बहुत बार, और आपके अपने नहीं करा पाते हैं। सो इस तरह से तो हमें सोचना ही नहीं है। सो यहाँ पे ना ये दो कार्ड आए हैं, इन्होंने बिल्कुल वो कहानी बदल दी है, जिस चीज के पीछे आप परेशान थे और जो आपको मिलती नहीं थी, कहीं ना कहीं डिवाइन ने वो आपको दी है, क्योंकि आपने टेस्ट को ना क्लियर किया है, आपने उन सब चीजों से गो थ्रू हुए हैं, उस पेन को आपने रिलीव किया है बार बार भी, बार 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 रिलाइव किया है आपने उस चीज को ना, और उन चीजों को ना आपने उनसे सीखा है, उनसे कहीं ना कहीं आपने हील भी किया है, सॉरी। सो डिवाइन ने आपको दिया है भाई ये इंसान आपकी लाइफ में, इसको संभाल के रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी बन सकता है, लेकिन इसके साथ जो कहानी शुरू होगी वो फ्रेंडशिप से होगी, और काफी टाइम आप फ्रेंड्स रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और ये एक इंसान जो है ना ईगो से ड्रिवन नहीं होगा,
इस चीज की भी गारंटी है। ये एक रिलेशनशिप ना ईगो से ड्रिवन नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक अंदर हम किसी इंसान को जो समझते हैं, अंदर से ही चीजों को समझने वाला, अंदर से ही आपको समझने वाला, और आप इसको अपने मन की हर बात बताएंगे, आप इसको अपने मन की ना ये बातें भी बताएंगे जो आपने किसी को नहीं बताई कभी। तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, 100% आएगा, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसके लिए आपने अपने मन में ना एक धारणा बना के नहीं रखनी है कि ये लवर ही होगा, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है भी नहीं, ये एक अच्छी सी सच्ची सी दोस्ती का कार्ड है। हाँ ठीक है, दोस्ती बाद में लव में कन्वर्ट हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। ये एक सोलमेट का कार्ड है, और सोलमेट भी हमेशा ना आपके पार्टनर नहीं होते हैं, आपके ना मैरिज पार्टनर नहीं होते हैं सोलमेट। सोलमेट से कैसे इंसान है, सोलमेट हो सकता है आपका भाई बहन हो आपके लिए, वो भी होता है बहुत बार। सोलमेट यानी कि एक ऐसी सोल जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ किसी ना किसी रिलेशन में रह रही है। अब क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ना इन सब वर्ड्स को, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, उनको ना करप्ट कर दिया है। सोलमेट का मतलब है सोल यानी कि सोल, और मेट यानी कि उसका जो है साथी। सो जीवन साथी ही नहीं, सोलमेट जरूरी नहीं है कि जीवन साथी होगा, एक ऐसी सोल जो सोल की जर्नी में आपके साथ रही, हो सकता है कभी वो आपका पेट बन के भी रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो किसी ना किसी फॉर्म में कभी आपके मदर फादर बनके, कभी आपके सिबलिंग्स बनके, कभी आपके दोस्त बनके, कभी बिजनेस पार्टनर बनके, कभी गुरु बनके, कभी चेला बनके, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके साथ रहे हैं। सो सोलमेट होता है ये कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। सो ये लवर्स का कार्ड नहीं है, ये उस तरह का कार्ड है कि हाँ एक ऐसा इंसान आप अपनी लाइफ में ढूंढ पाएंगे कि जिसको कि आप अपने मन की हर बात कह पाएंगे, जो आपको सुकून देगा, क्लैरिटी देगा जीवन में ना, सच्चाई और अच्छाई आपको सिखाएगा, और ढेर सारा अच्छा इसके साथ ना आप एक्सप्लोर करेंगे। वो आपकी मर्जी है कि रिलेशनशिप अगर आपका उस तरह का है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं, वो भी आपसे शादी करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा। बट रीडिंग्स में ना कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टू ऑफ कप्स आ गया, लवर्स का कार्ड आ गया, तो सबको लवर्स नहीं भाई, नहीं सबको लवर्स नहीं। आप मैरिड हैं, ठीक है, आपकी शादी होगी, दो दो बच्चे हैं। सो टू ऑफ कप्स का मतलब है कि कोई अच्छी फ्रेंडशिप, कोई अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप भी तो हो सकती है, कोई एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए, और हो सकता है वो वर्चुअली हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आपको मिले, आपको फिजिकली ना भी मिले, लेकिन एक ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ जाना जो आपका हाथ थामेगा, जो आपको मुश्किलों से निकलना सिखाएगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा, वो कोई भी हो सकता है, और हो सकता है आपका ही लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आपका ढेर सारा, जैसे कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे पिछले टाइम में, हो सकता है उसकी एनर्जी में ही ये चेंज आए, या आपकी एनर्जी में उसके लिए ये चेंज आए, क्योंकि एनर्जी के जो चेंजेस होते हैं वो म्यूचुअल हैं। अगर आप में कोई चेंज है तो उस चेंज को दूसरा भी रेसिप्रोकेट करता है। सो हो सकता है वहां पे कुछ अच्छा सा इंप्रूवमेंट हो जाए और वो इंसान उस तरह के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि डिवाइन का भाई ये फील्ड है, इसमें इम्पॉसिबल इज नथिंग, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो ये बड़ी अच्छी सी आप लोगों की रीडिंग रही है, कितना आपने रेजोनेट किया, कितना आपने कनेक्ट किया, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और इस तरह की रीडिंग्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। हो सकता है लाइफ में मैं आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी दे पाऊँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।